हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ सिरिंज। ये एक प्रैक्टिकल टाइप वीडियो है, तो इसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि सिरिंज के पार्ट्स को क्या कहते हैं। सो सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सो जो आगे वाला पार्ट होता है, जहाँ से हम नीडल अटैच करते हैं, उसको बोलते हैं अडेप्टर। जो बड़ा वाला बाहर वाला प्लास्टिक का पार्ट है, उसे हम बोलते हैं बैरल। उसके बाद जो हम पिस्टन आगे पीछे करते हैं, उसको पिस्टन और प्लंजर भी बोलते हैं। जो बैरल का साइड पोर्शन होता है, उसे हम बैरल फ्लैंग बोलते हैं। जिससे हम पुश और पुल करते हैं, जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, उसको प्लंजर फ्लैंग बोलते हैं। और जो ब्लैक कलर का पोर्शन बैरल के अंदर होता है, उसे हम सील बोलते हैं, प्लंजर सील। सो ये हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्लंजर, सॉरी सिरिंज। सो सिरिंज का सबसे आगे वाला पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं अडैप्टर। ये जो प्लास्टिक पार्ट है, इसे हम बोलते हैं बैरल। इसे बोलते हैं बैरल फ्लैंग। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं पिस्टन या प्लंजर। ये जो ब्लैक कलर की सील है, प्लंजर सील। और ये है प्लंजर फ्लैंग। सो ये है हमारी एक सिरिंज। अब हम देख लेते हैं नीडल। सो जैसे नीडल का यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने दिखाया है, जो पोर्शन हम अडैप्टर के साथ अटैच करते हैं, उसे हम बोलते हैं नीडल हब। ये जो लॉन्ग पार्ट है, जो जहाँ से मेडिसिन पास थ्रू होती है, उसे हम बोलते हैं कैनुला और शाफ्ट। और जो पिन पॉइंटिंग एरिया है, जहाँ से मेडिसिन बाहर आती है, उसको बोलते हैं बेवल, BEVEL, बेवल। राइट, सेम एज दिस। मैं आपको दिखा देती हूँ एक इसमें भी प्रैक्टिकली भी। सो दिस इज द मेन नीडल हब, शाफ्ट एंड बेवल। राइट, सो दिस इज द प्रोटेक्टिव कवर। ठीक है, ये जो हमें हमारी मेन पार्ट्स ऑफ सिरिंजेस हैं। इसके साथ हम आज और देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ सिरिंजेस आर अवेलेबल इन द क्लिनिकल एरिया और किस किस काम आती हैं वो। सबसे पहले हमारे पास जो है, पांच छह टाइप की सिरिंजेस होती हैं। फर्स्ट है 1 ml सिरिंज, इसको हम ट्यूबरकुलिन सिरिंज या इंसुलिन सिरिंज भी बोलते हैं। मोस्टली ये बच्चों को इंजेक्शन लगाने के काम आती है या फिर इंसुलिन देने के भी काम आती है। राइट, उसके बाद आ जाती है 2 ml सिरिंज। 2 ml सिरिंज में लो डोज IV अगर हमें देना हो या IM देना हो, जैसे कि टेटनस या वॉवरन का इंजेक्शन, जिसकी डोज काफ़ी कम होती है, वो हम इसमें से IM दे सकते हैं 2 ml की सिरिंज में से। सेम 5 ml की सिरिंज में डायरेक्ट IV भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं। 10 ml की सिरिंज में से हम IM नहीं दे सकते, मोस्टली नहीं देते हैं। इससे हम कैनुला से अटैच करके कोई हाई डोज का हम एंटीबायोटिक या ज़्यादा अमाउंट का IV देना हो, तो हम कैनुला से अटैच करके इसको दे सकते हैं 10 ml की सिरिंज को। सेम एज 20 ml सिरिंज, जो 20 ml सिरिंज है, उसको भी हम डायरेक्ट कैनुला से अटैच कर सकते हैं, और या कैनुला सेंटर लाइन कुछ भी जो भी हमने डाला है, जो भी पेशेंट का अवेलेबल है, तो उससे हम अटैच करके वहाँ पे हम दे सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद जो 50 ml सिरिंज है, 50 ml सिरिंज जो है, वो एक हमारे सिरिंज पंप से अटैच करके हम पेशेंट को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में जब IV देना होता है, तो वो दे देते हैं। राइट, इसका ये जो टाइप्स ऑफ सिरिंजेस है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से इसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और किसी कमेंट के लिए, और किसी पार्ट के लिए आप अगर मुझसे कमेंट करना चाहें, तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।